हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी अपना एक खुद का एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं? तो उसके लिए एक डोमेन और एक होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग अगर डोमेन और होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो का आखिर तक देखते रहे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग एक सस्ती और बढ़िया वेब होस्टिंग कैसे खरीद सकते हैं। तो जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, घंटे पर दबाते टाइम पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे देख रहे हैं तो .com डोमेन मैंने 300 रुपये में बताया है कि आप लोग कैसे खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप लोग अगर अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, ताकि आप लोगों की वेबसाइट जो है गूगल में फास्ट इंडेक्स और रैंक हो सके। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। और ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जब आप लोग इस वेबसाइट पर आएंगे तो आप लोगों को यह वेबसाइट कुछ इस प्रकार का दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑफर चल रहा है 20% ऑफ का। तो यहाँ पे एक कूपन कोड है, इस कूपन कोड को सबसे पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो गेट स्टार्टेड लिखा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। या थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो जितने भी प्लान है वो सब हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें चार टाइप का प्लान है, लेकिन ये मेन प्लान है। इसके अंदर और भी आप लोगों को प्लान देखने को मिलेगा। जैसे कि समझ लीजिए, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको कुछ नॉलेज नहीं है तो वो लोग ये वाले होस्टिंग के साथ में जा सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए, चाहते हैं कुछ लोग कि ये दो प्लान जो है वो सेम ही है, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि इसमें 100 MB SSD स्टोरेज मिलेगा और इसमें 1 GB मिलेगा। अगर आप लोग समझ लीजिए अपना जो बिजनेस है उसको अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहते हैं, लेकर के चलना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये वाला लेना चाहिए। समझ लीजिए आप लोगों को फ्यूचर में एक और वेबसाइट की जरूरत पड़ रही है बनाने की, तो आप लोगों को ये वाला होस्टिंग काम आएगा। क्योंकि समझ लीजिए आपने अभी एक वेबसाइट बना लिया, बाद में और एक बनाना चाहते हैं तो ये वाला होस्टिंग लेना पड़ेगा, यानी कि इसमें दो आप वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये वाला वेबसाइट, ये दोनों होस्टिंग लेते हैं, इन दोनों में कोई भी, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट करने का मौका मिलेगा। और बाद में अगर आप लोग फ्यूचर में कोई और एक वेबसाइट होस्ट करने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन, तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग ये वाला लीजिए, क्योंकि इसमें डबल वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इसमें फ्री SSL सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, तीनों में सेम और इसमें भी सेम है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो प्लान है 30 रुपये पर मंथ, ये वाला बहुत ही बढ़िया प्लान है, जो कि 300 रुपये में पर मंथ, 300 रुपये में हर साल के लिए आप लोगों को ये एक साल के लिए होस्टिंग दे देगा। डोमेन आप लोगों को यहाँ पर अलग से खरीदना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग डोमेन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें मैंने बताया कि 300 रुपये में .com डोमेन कैसे मिल सकता है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं इसमें सिर्फ होस्टिंग खरीदने बताऊंगा, डोमेन खरीदने नहीं बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को और एक बात बता दूं कि ये सब जो प्लान्स यहाँ पे दिख रहे हैं चार टाइप का, इन चार टाइप के अंदर भी और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। जैसे कि ये 30 रुपये वाला समझ लीजिए, जो लोग पहली बार यूज़ कर रहे हैं, जो लोग पहली बार खरीद रहे हैं होस्टिंग, तो सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, ये वाले प्लान को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 1 ईयर के लिए सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो 1 ईयर दिखेगा, 1 ईयर को सिलेक्ट करके यानी कि 300 रुपये में आप लोगों को एक साल के लिए होस्टिंग मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का 60 रुपये का बचत होगा। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो लोग ये वाला होस्टिंग ले, 900 रुपये में वो लोगों को ये अच्छा खासा एक होस्टिंग मिल जाएगा दो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। जिनके पास पैसा है वो लोग ये वाला ही प्लान के साथ में जाएं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक साल के लिए सिलेक्ट कर लिया। जो लोग जितने साल के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए ये वाला प्लान 3 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 2500 रुपये में मिल जाएगा। तो 2500 में लेने के लिए यहाँ पे ये जो 1 ईयर लिखा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे 3 साल आप लोगों को दिख जाएगा, वो 3 साल पे क्लिक करेंगे तो 2500 सिलेक्ट हो जाएगा। व्यू प्लान्स जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी प्लान्स है इसके अंदर, ये वाले डोमेन होस्टिंग के अंदर, तो वो आप लोगों को दिख जाएगा। सबसे पहले समझ लीजिए जो लोग पहली बार स्टार्ट करें उन लोगों के लिए मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मंथली वेब होस्टिंग, सब में मैं जो भी प्रोसेस बताऊंगा सब में आप लोगों को सेम करना होगा। अगर ये खरीदेंगे तभी भी वही सेम प्रोसेस रहेगा। तो देख रहे होंगे तो समझ लीजिए मैं ये वाला खरीदने बता रहा हूँ, तो ये वाला सिलेक्ट करना है 1 ईयर के लिए। व्यू प्लान पर क्लिक करेंगे तो और भी प्लान देखने को मिलेंगे इस प्लान के अंदर। तो देखिए ये लोड हो जाएगा और लोड होने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। जैसे कि ये जो हम लोगों ने सिंगल वेब होस्टिंग का चीप प्राइस वाला जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो उसके अंदर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 टाइप का प्लान्स है इसके अंदर। ठीक है ना, तो आप लोगों को जो भी प्लान्स सब में से अच्छा लगेगा वो आप लोग सिलेक्ट कर लेना। तो ये जो पहला वाला प्लान था उसमें 100 MB का ही प्लान है। ठीक है ना, तो ये वाला हमें नहीं लेना है, हमें कम से कम ये वाला लेना है या ये वाला लेना है।
क्योंकि इसमें इन दोनों में बहुत ही जैसे कि फायदा, जैसे कि समझ लीजिए आप लोग जितना बढ़िया पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना बढ़िया चीजें मिलेंगी, है ना। तो इन दोनों में से आप लोगों को लेने का फायदा ये है कि इसमें आप लोगों को cPanel होस्टिंग मिलेगी, इन सब में मिलेगा, लेकिन इसमें और भी अच्छी सुविधा दी गई है। और यहाँ पे एक चीज और बता दूँ कि यहाँ पे देख रहे तो यहाँ पे 2 GB मिला है, ठीक है ना, ये वाले में 100 रुपीज वाले में, ये भी 100 रुपीज का, ये भी 100 रुपीज का। आप लोग ये लेना चाहते हैं या ये लेना चाहते हैं, आप लोग डिसाइड कीजिए। मैं समझ लीजिए ये वाला लेना चाहता हूँ, तो मैं भी ये वाले पे क्लिक कर दूंगा, आप लोग भी यही वाला लेना, बाय नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर समझ लीजिए आप लोगों ने कहीं से होस्टिंग, आप ये जो होस्टिंग खरीद रहे हैं इसके लिए अगर आप लोगों ने समझ लीजिए कहीं से डोमेन लेके रखा है पहले से, या आप लोगों ने चीप होस्ट डोमेन नहीं खरीदा है, या आप लोगों को पता नहीं कि चीप डोमेन कैसे मिलेगा, तो ये वाला वीडियो जरूर देखें। ₹300 में .com डोमेन मैंने बताया कि कैसे खरीद सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना होगा। उसके लिए समझ लीजिए आप लोगों ने डोमेन यहाँ से खरीद लिया, तो आप लोगों को ये वाले ऑप्शन पे जाना होगा, और जो डोमेन आप लोगों ने खरीदा है उस डोमेन का नाम और कौन सा डोमेन है, .com है, .in है, या जो भी डोमेन रहेगा उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, और यूज पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग उस पेज पर पहुंच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोग अपने लिए डोमेन यहीं से खरीदना, क्योंकि इस वेबसाइट पर डोमेन जो है वो थोड़ा हाईली हाई प्राइस का है, तो आप लोग डोमेन यहाँ से खरीदना और होस्टिंग जो है वो यहाँ से खरीदे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये मेरा डोमेन है जो कि मैंने यहाँ से खरीदा है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, मेरा डोमेन है, एक्सटेंशन है .com डोमेन, और यहाँ पे यूज पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, या ये ऑटोमेटिक आ जाएगा इस पेज पर। मुझे डोमेन नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने डोमेन यहाँ से खरीद लिया है। आप लोग सेम प्रोसेस फॉलो करना जो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का पैसा बचना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो cPanel है 100 रुपीज पर मंथ वाला है, जो कि 1200 रुपये हर महीने का बैठेगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये मंथली यहाँ पे क्लिक आया है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों को ईयरली सिलेक्ट करना होगा, जो कि ₹1000 में हम लोगों को मिल रहा है डिस्काउंट होकर के, ₹1000 में एक साल के लिए ये हम लोगों को होस्टिंग दे रहा है, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो है यहाँ पे ₹1178 में ये हम लोगों को एक साल के लिए डोमेन दे रहा है, जो कि जितने भी इसके GST टैक्स हैं वो सब मिला करके, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे फ्री SSL है, और यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी करना नहीं है। अगर आप लोग अपने वेबसाइट के लिए बैकअप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा ₹1100 देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स है, और ये वाला वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कौन कौन से थीम्स प्लगइन रखने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखने का तो वेबसाइट माइग्रेशन भी आप लोग कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके लिए ₹200 एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा, लेकिन इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, इन सबको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और आप लोगों को करना क्या है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने पेटीएम से, भीम UPI से, या जिससे आप लोग पैसा देना चाहते हैं इस वेबसाइट में, यानी कि पे करना चाहते हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ID प्रोटेक्शन है, एक साल के लिए ये आप लोगों को फ्री दे रहा है, और ये भी DNS मैनेजमेंट ये भी फ्री दे रहा है, तो मैं इसको भी टिक कर दूंगा, 1 ईयर के लिए फ्री है, इसलिए बाद में जब रिन्यू के लिए आएगा तो इसको नहीं कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए मैंने दोनों को कर दिया, यहाँ पे फ्री 1 ईयर लिखा हुआ है, और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि ये फ्री दे रहा है तो ले लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए अभी हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे देख रहे हो तो ₹2062 हो गया टोटल, और ये टोटल इसलिए हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन ये रजिस्ट्रेशन बोल रहा है, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, हम लोगों को डोमेन यहाँ से नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास डोमेन है ऑलरेडी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आप लोगों को ऐसा दिखता है तो ही कैंसिल करना, नहीं दिखेगा तो मत करना, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ ₹1178 में ही सब कुछ टोटल प्राइस दिखेगा, आप लोगों को भी इतना ही दिखना चाहिए अगर ये वाला प्लान ले रहे हैं तो। उसके बाद आप लोगों को करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो मैंने प्रोमो कोड जो शुरू में कॉपी कराया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद वैलिड कोड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कुछ डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिस्काउंट होके ही हम लोगों को ₹1178 में मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं तो 20% ऑफ है, लेकिन ये उतने में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पहले से डिस्काउंट होकर के हम लोगों को ये दे रहा है, ठीक है ना। या ये जो डिस्काउंट, ये जो 20% का, ये किसी और दूसरे ऑफर पे काम करेगा, जैसे कि जो मैंने बता रहा था ₹900 का जो पर ईयर का जो प्लान था उसमें ये काम कर सकता है, तो उस पर एक बार ट्राई करना अगर आप लोग वो वाला ले रहे हैं तो। यहाँ पे क्या करना है, चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को ये अकाउंट बनाने के लिए भी बोलेगा, आपने यहाँ पे खाता बनाना, यानी कि अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो अकाउंट बना लेना। मैंने यहाँ पर अकाउंट बना लिया था इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा, तो
सबसे पहले आप लोगों को आप पेमेंट कैसा करना चाहते हैं, कैसे इसको पे करना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं समझ लीजिए मैं पेटीएम और यूपीआई के जरिए पेमेंट करना चाहता हूँ, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, आई एग्री करके ये वाले ऑप्शन को चेक करना जरूरी है। फिर कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है कि जैसे आप लोग कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का ये ऑप्शन देगा। और यहाँ पर देख रहे हैं तो पे विथ पेटीएम लिखा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे पहले एक बार अच्छे से अपना प्राइस चेक कर लेना। और यहाँ पे ये जो डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड के बटन पे दबा करके ये जो अपना जो भी इनवॉइस आइटम है, यानी कि जो हम लोग चीजें खरीद रहे हैं वो हम लोगों को इनवॉइस के रूप में मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद देख रहे होंगे तो ये जो हम लोग ने मेथड सेलेक्ट किया है पेटीएम यूपीआई वाला, इसको ऐसे ही रहने दें और ये पे विथ पेटीएम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये पेज लोड होगा। और लोड होने के बाद देखिए अभी हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ये ऑप्शन लेकर के आएगा। यहाँ पे भीम यूपीआई के जरिए हम लोग पे करना चाहते हैं। जैसे कि एक यूपीआई आईडी होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का नाम से यूपीआई आईडी होता है, किसी का मोबाइल नंबर यूपीआई आईडी होता है, जैसे कि मोबाइल नंबर, फिर @paytm का होगा तो paytm@paytm, SBI का होगा तो @okay SBI, इस टाइप का होगा, ठीक है ना। तो या आप लोग डायरेक्ट पेटीएम का यूज करके पेमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और तुरंत ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो पे हो जाएगा 101,178 रुपये। और ये जो होस्टिंग आप लोग यहाँ से खरीद रहे हैं वो परचेस हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा यह आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके इस वीडियो को देख करके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर करें।